वापस किफरी जाना है, बस बहुत हो गया है भाई। नहीं आ रही गाड़ी यार, क्या करें। बहुत बड़ी गलती कर दी आज। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है मैंने आज अपने कंधों के ऊपर। उस चैलेंज के बारे में जब इस टाउन से निकल जाऊंगा तब बात करूंगा। तो करंटली आई एम इन किफरी, इट्स इन सेंट्रल नागालैंड। और किफरी वही जगह है जहां से नागालैंड के सबसे ऊंचे पर्वत की वो स्टार्ट होती है हाइकिंग या जर्नी, माउंट सारामती, और जिसकी हाइट है मोर देन 4000 मीटर्स। मेरे हिसाब से 4400 के आसपास है। एक्चुअल में जो डेटा है वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन माउंट सारामती इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। तो इनसे ये रास्ता जाएगा सीधा। अच्छा हाँ, तो गाइस अब आपको पूरा सीन समझाता हूँ। करंटली आई एम इन किफरी, इट्स काइंड इन सेंट्रल नागालैंड, और यहाँ से मेरा प्लान है आज त्यूनसेंग पहुँचने का। बेसिकली आई एम गोइंग टू मोन, लेकिन मोन पहुँचना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि मोन यहाँ से 300 किलोमीटर है और संडे है। ऑलरेडी सुबह के 10 बज चुके हैं, तो संडे के दिन खास करके नागालैंड के अंदर 300 किलोमीटर करना वो भी हिच हाइकिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चर्च चर्च में जाते हैं तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ बंद होती है। मार्केट आपने देख ही लिया होगा। एंड व्हाट्स योर नेम ब्रदर? माय नेम इट्स मी तोलिन। यस। तो अभी तोलिन भाई बता रहे हैं कि इट्स बेटर टू गो ऑन मंडे, लेकिन मैं तोलिन भाई को बोल रहा हूँ कि भाई यार आज मुझे चैलेंज लेना है। एंड आई, व्हाट डू यू थिंक, विल आई रीच त्यूनसेंग और नो? आई डोंट थिंक सो। तो भाई बता रहे हैं कि रोड तो ठीक है, इतना ख़राब नहीं है, लेकिन लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ते में 2-3 ब्रिज वो नदी में सबमर्ज हो गए हैं। तो पहले जो त्यूनसेंग 120 किलोमीटर पड़ता था यहाँ से, अब वो 130 हो गया है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड, क्योंकि ब्रिज गिरने के कारण ऊपर से रूट लेके जाना पड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं यार, मेरे को लग रहा है मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे पता है दिक्कत होंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन यार जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करोगे तो अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे ना। रुकना तो मेरी कंफर्ट जोन है, और मैं कंफर्म हूँ कोई ना कोई मस्त एक्सपीरियंस ज़रूर होगा अगर मैं चलता रहा तो। ठहर जाओगे तो सड़ जाओगे पानी की तरह। पानी भी फ्रेश तभी रहता है जब बहता रहता है। एक बार तो मैंने ऑलमोस्ट प्लान कैंसिल कर दिया था कि यार मोन नहीं जाते हैं, लेकिन मोन और लोंगवा थोड़ी स्पेशल जगह है नागालैंड में जहाँ पर आपको विजिट करना चाहिए, जहाँ पर आपको अलग टाइप के एक्सपीरियंस होंगे। सबसे पहली बात तो वहाँ पे नागालैंड के लास्ट हेड हंटर्स हैं। मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, नागालैंड के बारे में एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि यहाँ पे हर कोई हेड हंटर है ना यार। ये प्रैक्टिस थी जो आज से 40 से 50 साल पहले बंद हो चुकी थी। नागालैंड में अब कोई हेड हंटिंग नहीं करता है, और ना कोई ऐसे है कि यहाँ पर इंसानों को खाते हैं। एक तो पता नहीं ये बातें कहाँ से फैल गई कि यहाँ पे ऐसा होता है, आप नागालैंड में जाएंगे तो आपको मार देंगे। कुछ नहीं है भाई यार, मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे नागालैंड के लोग नहीं जाते हैं। तो जब आप मोन और लोंगवा जाएंगे तो वहाँ पे आपको लास्ट हेड हंटर्स मिलेंगे, जिन्होंने लास्ट हेड हंटिंग शायद 1960s या 1970s में की थी। उसके बाद वो प्रैक्टिस वहाँ पर भी स्टॉप हो गई थी। और दूसरा एक गाँव पड़ता है लोंगवा, आधा गाँव इंडिया के अंदर है और आधा गाँव वो बर्मा के अंदर है, तो भी वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस बन जाती है जाने के लिए। और आपको पता है बॉर्डर्स के अंदर मैं कितना एक्साइटेड रहता हूँ, तो इसीलिए वहाँ तक के जर्नी कर रहा हूँ। जर्नी कल भी कर सकता था, आज वाला पार्ट थोड़ा मैं जानबूझ के वो डंडा लेते हैं ना तो वो ले रहा हूँ मैं, और मुझे ट्राई करना है कि मैं कितना पुश कर सकता हूँ खुद को। ये गाने सुन रहे हो, ये हिम्मत देते हैं चलने के लिए। तो किफरी टाउन को मैं पीछे छोड़ के आ चुका हूँ, होटल से लेकर यहाँ तक आई थिंक 2.5 से 3 किलोमीटर हो गए हैं। चलने में ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, पता मुझे तब चलेगा जब मैं एकदम हाइट के ऊपर चढ़ने लगूँगा, अब तक तो ऐसा सीन हुआ नहीं है। हाँ जी, यस या भाई बोल रहा था कि मुझे वेट करने के लिए। मैं हरियाणा से। रियली? हाँ। कैसा है आप? हेलो। अच्छा हेलो, यहाँ से त्यूनसेंग कितना दूर होगा? 1.7
127 क्या लग रहा है पहुंच जाऊंगा आज नहीं पहुंच पाएगा पैदल पैदल नहीं कोई गाड़ी वाड़ी मिलेगा क्या क्या लग रहा है यार यहाँ पर तो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा भाई भी कह रहे हैं नहीं मिलेगी गाड़ी तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी मुझे मेरी दिन की पहली राइड मिली है आप सब एक बार अपना अपना नाम बता देंगे हेलो मेरा नाम सिरिपा सिरिपा मेरा नाम अलंगवीर अलंगवीर एंड दादा आप अरोले अरोले एंड यू नाम कन्यांगरी कन्यांगरी आप सभी संगम है तो इस एरिया के अंदर मेरी हिचहाइकिंग स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहले लिफ्ट मिली है मुझे 10 किलोमीटर के लिए थैंक यू गैर आप सांगतम में थैंक यू कैसे बोलता है चोमंखो चोमंखो तो चोमंखो अभी भाई है ना यहाँ पे वो पान मसाला खा रहे थे तो मुझसे पूछने लगे भी आप भी खाओगे बोलता मैं नहीं खाऊंगा तो भाई बोलते हम नागा के लोगों के लिए तो ये विटामिन आर है आर का मतलब क्या होगा उस आर का मतलब नहीं है कुछ भी आर का मतलब तो कुछ भी नहीं है पता नहीं बस ऐसा ही बोला ना विटामिन आर आर मिलता है वही है बड़े मस्त बंदे हैं यार भाई और बेसिकली अपनी गाड़ी साफ करने जा रहे हैं आगे एक वाटरफॉल पड़ता है उधर एक ब्रिज है और वहीं पर अपनी गाड़ी वाड़ी धोएंगे तो मैं कुछ देर भाइयों के साथ बैठूंगा और अगले अगर और कोई गाड़ी आगे जाने के लिए आ रही होगी तो उसमें आगे के फिर तरफ निकल जाऊंगा ऊपर जा रहे हैं हाँ ऊपर जाएगा ओके थैंक यू यार भाई थैंक यू भाई थैंक यू दादा चोमंखो चोमंखो तो वापस से थोड़ा पैदल चलना स्टार्ट कर दिया ऐसे कर करके तो आगे तक जाएंगे यार और अगर पूरा ही फोकस मैंने गोल के ऊपर रख दिया तो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा और डीमोटिवेट हो जाऊंगा मंजिल तो राह ही ढूंढ लेते हैं रस्ते मगर खो जाते हैं दिल तो पागल है तो मेन एम हमारा यही है कि भाई हमें रस्ते के ऊपर ध्यान देना है यही बात हिच हाइकिंग में है यही बात लाइफ में है ये लेसन सीखा है मैंने तो इन भाइयों ने मुझे यहाँ पे शिकोर विलेज के आसपास उतार दिया है और अब यहाँ से मुझे अगली गाड़ी का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे इधर सामान रख के आ जाता हूँ और फिर वेट करता हूँ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ये काइंड ऑफ छोटे मोटे विलेज के मार्केट शेड्स हैं जो विलेज के अंदर जो प्रोडक्शन होता है लोग क्या करते हैं इधर आके छोटी मोटी दुकान लगा लेते हैं और यहीं से अपने सामान बेचने की कोशिश करते हैं ये मान लीजिए लगभग 40 किलोमीटर मेरे कवर हो चुके हैं किफरी से यहाँ तक आगे की 80 किलोमीटर की जर्नी और बची हुई है मौसम थोड़ी करवट ले रहा है ऊपर पहले थी मस्त धूप और अब आ रहे हैं बादल ये देखिए आप लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर बारिश भी आ गई तो मेरे पास शेड है मैं उधर ये वाली तो एकदम मान लो टूटी फूटी है जगह जगह होल हो रखे हैं लेकिन वो दूसरे वाली है ना वो थोड़ी नई भी है और वो मेरे को थोड़ी सेफ लग रही है तो बारिश वारिश आ गई तो उधर बैठ सकता हूँ आराम से तो अभी ना गाड़ी आ रही है कोई साइन नहीं है गाड़ी का कुछ भी नथिंग तो जब तक गाड़ी आ रही है तब तक मेरे इस इक्विपमेंट को ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे ये छोटे मोटे घास फूस रखा हुआ था और उधर से मैं ये लकड़ी उठा के लेके आ गया ऑलरेडी यहाँ पे किसी ने ना आग वाग जला रखी थी तो मैं क्या ट्राई करने वाला हूँ कि ये जो मेरा इक्विपमेंट खरीदा है इससे आग जलेगी या नहीं जलेगी तो इसके अंदर पत्ते वत्ते हैं सूखे उधर भी थोड़ा घास फूस है और इन सब से मैं अभी आग लगाने का ट्राई करूंगा कि आग जलती है या नहीं जलती या फिर अब तक ये जो इक्विपमेंट था ये मेरा काम करेगा या नहीं करेगा थोड़ा गीला है यार नहीं जल रही यार या तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर ये घास गीली है अभी क्योंकि बारिश हो रही थी यहाँ पे दो तीन दिन पहले तक कल भी बारिश हुई थी
हाथों में दर्द होने लग गया था लेकिन आग नहीं जली। पता नहीं कुछ नहीं कर सकते अब। ये क्या है भाई, थोड़ा थोड़ा धुआं तो निकल रहा है। मेरे पास वैसे लाइटर भी है लेकिन मैं एक बार ट्राई करना चाह रहा था कि काम कैसे करता है। लाइटर से मैंने आग लगा के देखी, लाइटर से तो आग लग रही थी थोड़ी बहुत लेकिन उससे नहीं जल रही। और गाड़ी भी नहीं आ रही है, वेट कर रहा हूँ भाई, गाने सुन लेते हैं जब तक गाड़ी आती है। कुछ नहीं आ रहा है यार उस साइड से, तो दो तीन बाइक वाले भी आ गए और एक बोलेरो भी आई थी लेकिन इस साइड से कुछ नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। भाई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आ रही है, 12:30 बजे आया था और 2:45 हो चुके हैं। 1.5 घंटे बाद यहाँ पे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लो भाई साहब, अब हवा भी चलने लग गई है और बारिश भी आ गई है। अब शायद मुझे शेड भी चेंज करना पड़ेगा और अब मुझे ढंग से ऑलमोस्ट 3:30 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे पहुँचे हुए और विद नो लक। एक तो मैं लेट निकला, ये भी गलत था, मुझे लेट नहीं निकलना चाहिए था इतना। वहाँ से बैग वैग ले आता हूँ क्योंकि उस शेड के अंदर बारिश आने के ज़्यादा हुआ है क्योंकि वो टूटा हुआ है, और इधर फिर भी सेफ है क्योंकि ये शेड काफ़ी सेफ है एज़ कम्पेयर टू दैट। दोनों बैग इस वाले शेड में लेके आ गया हूँ, उसमें थोड़े होल होल हैं। लग रहा है बारिश तेज़ आएगी और हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लग गई है। अच्छी बात यह कि शेड में बहुत कम है। अगर मान लो बुरे से बुरा अगर इस शेड में रुकना भी पड़ गया मेरे को, क्योंकि अगर बारिश होगी ठंड होगी, ठंड होगी तो थोड़ी बहुत गर्मी चाहिए, तो अपने आग जला लेंगे। थोड़ा बहुत ये बाहर से उसे ले लिया है मैंने, ज़्यादा उठाऊंगा तो गीला होगा, ऊपर ऊपर वाला सूखा हुआ है। यहाँ पे कुछ शायद नेवला वेवला टाइप आ रखा है क्योंकि उसकी चिड़चिड़ आवाज़ आ रही है मेरे को। जिन भाइयों ने मुझे यहाँ छोड़ा था वो बहुत देर पहले ही वापस जा चुके थे और अब मैं 10 से 15 मिनट और वेट करूँगा उधर जाने वाले डायरेक्शन का। अगर 10 से 15 मिनट में गाड़ी नहीं आई तो मैं वापस से उस डायरेक्शन में चला जाऊँगा। बहुत देर वेट हो गया, उधर जाने वाली गाड़ी भी नहीं आ रही है, तो इस आग को लाइट कर ही देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहेगा क्या नहीं। जला ली आग, धीरे धीरे आग पकड़ेगी। मुझे एक चीज़ समझ आ रही है यार, मैं पिछले 3 दिनों से लगातार मोन और लोंगवा की तरफ भागने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। तो बार बार मैं अपने दिमाग को प्रेशर कर रहा हूँ कि यार चल दीपांशु, चल चल चल, मज़े आएंगे, लेकिन आई थिंक मुझे अब जो मेरे लोंगवा जाने के सपने को छोड़ देना चाहिए। आई थिंक डेस्टिनी को अभी कुछ और ही चाहिए मुझसे। तो अब शायद मैं वापस से किफ्री जाऊँगा और कल सुबह दीमापुर की बस पकड़ने वालों मन में आ रहा है अगर अभी भी मिल जाए त्रिवेन सिंह की गाड़ी तो चला जाऊंगा, लेकिन अब चांसेस लग रहे कि आज लोग सही थे, आज जो लोगों की बैठ थी वो सही हो गई और एक तरीके से मेरा चांस काम नहीं किया। दादा किफ्री जाएगा? इधर जाएगा, ऊपर जा रहा है। चलो ठीक है। तो भाई साहब किफ्री नहीं जा रहे हैं, अब किफ्री की गाड़ी मिलने में मुश्किल होगा मुझे लग रहा है। तो अब मैं इस जगह को रेस्ट दे रहा हूँ वापस से। अब ये गाड़ी आई थी लेकिन वो भाई साहब इसी ऊपर गांव में जा रहे थे। जो आग है ये भी ऑलमोस्ट बुझ चुकी है, बाहर से आपको थंडरस्टॉर्म की आवाज़ आ रही होगी। थोड़ा पानी डाल देता हूँ, अगर मान लो रात को कोई गलती से भी कुछ गलत ना हो जाए, थोड़ा पानी बचा हुआ है। तो कई बार चीज़ें काम नहीं करती और कई बार आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। रुको एक मिनट यार, लाइट पहले ही लगा दी मैंने। हाँ, तो कई बार आपको चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए कि नहीं यार नहीं कर रही तो नहीं कर रही। आई थिंक नागालैंड की जो ट्रिप है ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अभी दीमापुर में एक दो जगह घूमने वाला हूँ लेकिन वो एकदम वाइल्ड एक्सट्रीम टाइप के एडवेंचर नहीं होंगे।
बिजली भी कड़क रही थी पहले थोड़ी देर पहले, दबा के दड़म दड़म दो बार आवाज़ आई। अब उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से वापस किफ्री जाने के लिए मुझे गाड़ी मिल जाए और वहीं पर जाती होटल के अंदर जाऊँगा, खाना वाना खाऊँगा और बाहर जाके जल्दी से दीमापुर की कल सुमो बुक कर लूँगा। किफ्री के लिए तो गाड़ी मिल जाएगी, नॉट अ बिग डील। अगर नहीं भी मिली तो ऊपर गाँव गाँव की तरफ चला जाऊँगा, गाँव मेरा एकदम लास्ट हथियार है। अगर गाँव ना भी जाऊँ तो मेरे पास लाइटर वाइटर है, पूरी रात निकाल सकता हूँ मैं। लेकिन नींद आएगी ना, उसका पंगा है। यहाँ पे मैं टेंट पिच नहीं करना चाहता क्योंकि जिस गाड़ी में मैं आ रहा था उस भाई ने बताया था इस एरिया में सांप वाँप कुछ ज़्यादा ही है और मेरे पास कुछ ऐसा खाने को भी नहीं है, ना मेरे पास गैस वैस है, तो रात को भूखे मरने वाले सीन हो जाएंगे। अच्छा सा म्यूजिक सुन रहा हूँ यार, कैसे टाइम पास करूँ। मस्त मस्त बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है। अरे दादा, जा रहा है। अरे किफ्री से किधर जा रहे हैं आप? गांव में, यहां में। किफ्री की तरफ कोई गाड़ी मिलेगा क्या? अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। यहाँ कोई होटल वोटल है गांव में? नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू यार भाई। अरे मुझे लग रहा था गाड़ी वाड़ी आ जाएंगी लेकिन अब आगे की गाड़ी नहीं आ रही है, तो एक पंगा ख़त्म होता है दूसरे को मैं अपने आप ही जन्म दे देता हूँ। पता नहीं इस ट्रिप में मस्त सीन चल रहा है, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उम्मीद है गाड़ी आ जाएगी यार। ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ 5:30-6 ही हुए हैं तो थोड़ी देर और वेट करता हूँ। ये दोनों शेड देखिए अब आप, कैसा माहौल हो गया यहाँ पे। डर मुझे तो बस है यहाँ पे, सांप वाँप का डर है। इस साइड वाला शेड सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें विजिबल हैं ढंग से। सामान को इधर रख देता हूँ, बारिश भी स्टार्ट होगी थोड़ी थोड़ी। एक घंटा और वेट कर सकता हूँ किफ्री के लिए, तो अगर कुछ भी नहीं मिला तो ऊपर जो गांव है उसमें चला जाऊँगा मैं। ये भाई पूरा दिन आज मेरा इन शेड के नीचे निकल गया। मस्त है ये शेड देखो, टूटे हुए बीच बीच में से। अरे यार ये तो वही बात होगी, पागलपन में और बाकी चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब कुछ भी नहीं आ रहा है, बारिश और आने लग गई है, मुझे लग रहा है ऊपर जाना ही पड़ेगा यार अब। बहुत बड़ी गलती कर दी आज यार भाई, गाड़ी आ जाए यार। मुझे गांव में जाने का मन नहीं है, मुझे वापस से किफ्री जाना है, बस बहुत हो गया है। लेकिन गाड़ी आ नहीं रही है, क्या करें। एंड मुझे लग रहा है एक भाई से मैंने नंबर लिए थे यहाँ के, उस भाई को कॉल करूँगा और वो फिर मुझे अपने घर पे लेके चला जाएगा। लेकिन 10-15 मिनट और वेट करता हूँ, अगर 15 मिनट में गाड़ी आ गई तो ठीक है, वरना फिर ऊपर जाऊँगा मैं। यही फैसला है मेरा, अब शायद किफ्री भी नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे लग रहा है मुझे इस गाँव में रुकना पड़ेगा। भाई नहीं आ रही गाड़ी यार, क्या करें। वैसे मैंने अभी खुद को 10 मिनट और दिए, 15 मिनट टोटल, अगर तब तक गाड़ी नहीं आई तो ऊपर चला जाऊंगा मैं। तो पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे नदारद वेट करने के बाद अंधेरा मस्त तरीके से हो चुका है और मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था कि यार एटलीस्ट कुछ हो जाए, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है यार। मेरा ना यहाँ आसपास जो गांव है वहाँ जाने का मन कर रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है। मेरा मन ये कि अब मैं कल दीमापुर पहुँच जाऊँ और उसके बाद देखते हैं कुछ हो तो। तो अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब गए थे, उनके नंबर लिए थे मैंने गाड़ी वाले, उनसे अब रिक्वेस्ट करके वो मुझे अब छोड़ के आ रहे हैं 2,500 रुपये में किफ्री। वैसे अब पता नहीं, उनके पास छोटी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी में तो शायद कम पैसे लगते हैं लेकिन बड़ी गाड़ी में 2,500 रुपये लग रहे हैं। पंगा क्या है कि मेरे पास भी कैश ख़त्म होने वाला और यहाँ पे किफ्री में अब एटीएम खुला होगा नहीं, तो ये है मतलब चीज़ें ऊपर नीचे काफ़ी हो गई। तो पहले वो भाई साहब 3,000 के आसपास बोल रहे थे, तो मैंने थोड़ी बार्गेनिंग गेनिंग की और थोड़ी उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मेरे पास कैश खत्म हो रहा है, प्लीज़ आप देख लीजिए। तो 2,500 में बात हुई है, 30 किलोमीटर के लिए वो मुझे वापस से छोड़ के आएंगे। तो भाई साहब ये पंगे हो जाते हैं कई बार, अगर मैं सारी चीज़ सोच वोच के आता तो कुछ भी नहीं होता, सब मज़े आ जाते। लेकिन ले
कई बार आप लाइफ से मांगते हो कि आपको अंगूर मिले, आपको मिलते हैं नींबू, और जब आप कई बार लाइफ से नींबू मांगते हो तो आपको मिलती है सिकंजी। अब मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार आप खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कर लेते हो कि आप रियलिटी को भूल जाते हो, और कई बार आप इतने रियलिटी को चेक कर लेते हो कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको अंडरमाइन कर देता हो। तो दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस बनाना ज़रूरी है। कई बार आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा, कई बार आपका कॉन्फिडेंस आपको फंसवाएगा भी, कई बार लोग आपको कहेंगे वो चीज़ें सही निकलेंगी, कई बार जो आप कहोगे वो चीज़ें सही निकलेंगी। इसमें चांस बहुत बड़ा मैटर करता है, लेकिन हम मेहनत करके एक चीज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। परफेक्शन और 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू यार। तो अब मैं एक गाड़ी हायर करके एक भाई से बात हुई है, और वो भाई मुझे अब वहाँ तक छोड़ देंगे। गाड़ी हायर करके जाना पड़ रहा है, और नहीं तो ये कुछ नहीं करना पड़ता। भाई साहब यार काफ़ी रिक्वेस्ट की, भाई जो प्राइस बोल रहे थे फॉर 32 किलोमीटर्स 2500, 32 बोले तो भाई के लिए 64 किलोमीटर्स हो जाएगा, तो ठीक है यार, भाई के लिए भी उतना बुरा नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब ओवर 8-7-8 मिनट के अंदर। अच्छा बीबी भाई मस्त है यार, गोरो गोपुर भाई नेक्स्ट लेवल स्टफ। अब यार उन भाई की भी गलती नहीं है, यहाँ पे रेट फिक्स होते हैं, तो उन रेट्स के साथ ना मैं गड़बड़ कर सकता हूँ ना वो भाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भाई मेरे लिए डिस्काउंट दे रहे हैं। बात यह ना, क्योंकि गाड़ी खाली जा रही है तो उतना तेल नहीं फूकेगा, खाली जाएंगे खाली आएंगे, आगे जगह पर गूगल पे एक्सेप्ट हो जाए, नहीं तो मैं एकदम कैशलेस हूँ यहाँ पर, देखना पड़ेगा यार। चीज़ें मस्त हैं और भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो तो कहीं मेरा कट ना जाए, भाई आएंगे या नहीं आएंगे। अभी चैंपियन फ़ोन नहीं उठा रहा है। भाई प्लीज उठा लो। बहुत हो गया मेरा लाइफ का एडवेंचर आज, इससे ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहता मैं। बस अब मैं मेरी ट्रिप को ख़त्म करना चाहता हूँ दीमापुर पहुँच के जल्दी से। मोन एंड लॉन्ग, आई एम सॉरी नहीं आ पाऊँगा। हेलो, कहाँ है दादा? आ रहा है अभी, थोड़ा जल्दी आइए दादा, नहीं होटल बंद हो जाएगा। ठीक है ठीक है। कितना टाइम लगेगा? बस नहीं लेगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी आइए। ठीक है ठीक। उनको मैं होटल वाले भाई को और फ़ोन कर देता हूँ कि मेरे लिए कमरा बचा के रखें और खाना बना दें। हाँ सर, वो गाड़ी मिल गया, तुम आ रहे हैं ठीक है, तो आपके पास रूम होगा ना? रूम आज रात के लेना। हाँ हाँ, वो 800 वाला छोटे वाला मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे एक बंदे के लिए खाना भी बना के रख देना। आपके पास गूगल पे होगा ना? गूगल पे हो गया ना? हाँ चलो ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैश खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं कैश इस टैक्सी वाले भाई को दे दूंगा, तो आपको आगे गूगल पे करता हूँ मैं। इनके अंदर कुछ घुस ना गया हो। गाड़ी आ गई है भाई, ये अपना दूसरा बैग। क्या करें भाई साहब, पीनी भी ज़रूरी है और ज़िंदगी अधूरी है। थैंक यू यार। थैंक यू यार। यार बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी आ गई है, थैंक यू यार भाई। चलो यार गाड़ी मिल गई है, अब मैं उधर होटल में पहुंच के आप लोगों से बात करता हूँ। अच्छी बात ये कि रास्ता सही है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन एक घंटा तो इजीली लग ही जाएगा यार शायद। ये सेम वही ब्रिज दिन में पार किया था। थैंक यू दादा। अरे कोई नहीं। तो पहुंच गया हूं मैं कीफ्री, एक और भाइयों को पैसे वैसे दे देता हूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं। थैंक यू गाइस यार, आज के पूरे दिन की भसड़ के बाद और आज के पूरे दिन के इस मस्त एक्सपीरियंस के बाद मैं वापस से कीफ्री पहुंच चुका हूं, और अब है मेरा सोने का टाइम, क्योंकि कल सुबह मुझे यहां से एक सुमो पकड़ के दीमापुर पहुँचना है। वो सुमो जाएगी सुबह के 5:30 बजे, तो कल मैं शायद अब कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, अब मैं डायरेक्टली आप लोगों से दीमापुर में मिलूँगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।